नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्वालिटी एंड फैक्ट फॉर यूपीएससी नेट के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रश्न पत्र 3 लेक्चर सीरीज के अंदर ये मेरी तीसरी वीडियो है और इसमें मैं जून 2013 के क्वेश्चन पेपर को आपके सामने डिस्कस करूंगा। दोस्तों, प्रश्न पत्र शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें सीबीएसई ने बिल्कुल ही अपना लेवल गिरा दिया था। बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चन आए हैं इसमें, जो कि रटने वाले क्वेश्चन हैं। इसमें 25 क्वेश्चन तो वो आए हैं जो आपको रट्टा मार के याद करने पड़ेंगे, जैसे कि बुक्स और कोटेशन। 25 क्वेश्चन उन्हीं से आए हैं। आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें काफ़ी टफ क्वेश्चन है, लेकिन आगे सीबीएसई नेट का स्तर थोड़ा उठ गया था, मतलब सही हो गया था, जिसमें फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत में 3 प्रकार के तत्व होते हैं, तथ्यात्मक, अनियमित तथा मूल्यात्मक। दोस्तों ये किसने कहा था, बिल्कुल कोटेशन है, तो ये जीएच सेबाइन ने है। इसका कोई भी ट्रिक याद करने की नहीं है, आपको रटना पड़ेगा ये। 1950 के दशक में निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत डॉग हाउस में चला गया है, राजनीतिक सिद्धांत डॉग हाउस में चला गया है, ये राइमर ने कहा था। ठीक है, 1950 में ये राइमर ने कहा था और ये बिल्कुल डेविड इस्टन की तरह ही इन्होंने बात की है। और ये चारों के चारों आपको पता है ये राजनीतिक सिद्धांत के पतन से जुड़े हैं। निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि हम अपने मूल्यों को इस तरह नहीं छोड़ सकते जिस तरह हम अपने कोट उतार देते हैं। दोस्तों ये बोला था डेविड इस्टन ने, क्योंकि 1950 के दशक में व्यवहारवादी क्रांति आई थी और व्यवहारवादी क्रांति ने क्या बोला था कि राजनीति में मूल्यों का कोई काम नहीं है, वैल्यू जो हमारी है उसको छोड़ दो किनारे। ठीक है, तो ये व्यवहारवाद की एजम्पशन थी। लेकिन 1969 में जब डेविड इस्टन ने भाषण दे रहे थे, जहां से पोस्ट बिहेवियरलिज्म की शुरुआत होती है, उनके भाषण में उन्होंने ये बोला था कि हम मूल्यों को ऐसे नहीं छोड़ सकते जैसे कि कोट उतार देते हम। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका संबंध राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान से है, रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। दोस्तों मैं आपको जो मैंने स्पेशल लेक्चर इसके ऊपर बनाया है, डिक्लाइन और रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि डेविड इस्टन एक और तो ये राजनीति सिद्धांत के पतन से जुड़े हैं और दूसरी तरफ उत्थान से जुड़े हैं, क्योंकि इन्होंने जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म है उसमें राजनीति सिद्धांत के उत्थान की बात की है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य गलत है, मतलब इसमें से एक गलत है वो आपको बताना है। उदार पद स्वाधीन व्यक्तियों के उस वर्ग को संदर्भित करता है जो ना तो कृषिदास है ना ही दास है। ये लिबरल किसे बोलते हैं, बिल्कुल लिबरल का मतलब होता है एकदम स्वतंत्र छोड़ देना, खुला छोड़ देना। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, लिबरल का मतलब है ना तो ये दास है किसी के, कृषि वाले दास है, और ना ही सिंपल वाले दास है, तो मतलब उदार बिल्कुल सही इसको डिस्क्राइब कर रहा है। उदारवाद का प्रथम प्रयोग स्पेन में 1812 में किया गया था। दोस्तों आपने एक बात तो याद रखनी है, लिबरलिज्म की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है इंग्लैंड से, फादर ऑफ लिबरलिज्म माना जाता है लॉक को माना जाता है, लेकिन जो औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत हुई है लिबरलिज्म की वो हुई है 1815 में। ठीक है, 1815 में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया है, और वो किया गया है कहाँ पे, इंग्लैंड में। तो यहाँ पे बी गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी है। उसके बाद थर्ड है, शास्त्रीय उदारवाद तथा आधुनिक उदारवाद में भिन्नताएं हैं, बिल्कुल सही बात है, भिन्नताएं तो होगी ही। बाजार विरोधियों की नैतिक कमियां बाजार समर्थकों की भी नैतिक कमियां हो जाती है। अब बाजार जो ये है, बाजार का जो मॉडल है ये नियो लिबरलिज्म का मॉडल है, और बिल्कुल उन्होंने यही बात की है जिसमें लेन देन की बात उन्होंने की है। क्वेश्चन नंबर 6, किसके विचारों को कभी कभी मैनचेस्टर उदारवाद के रूप में भी जाना जाता है, मैनचेस्टर उदारवाद के रूप में भी जाना जाता है, वो आपने यहाँ पे बताना है। और दोस्तों ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैनचेस्टर उदारवाद माना जाता है रिचर्ड कॉबडन और जॉन ब्राइट के विचारों को। ठीक है, रिचर्ड कॉबडन तथा जॉन ब्राइट, मैं बोल रहा हूँ आपको ये रट्टा मारने वाले हैं क्योंकि इसके पीछे लॉजिक कोई नहीं है।
यह किसने कहा है कि स्वयं मेरा अस्तित्व एक सामाजिक क्रियाकलाप है, स्वयं मेरा जो अस्तित्व है वो सामाजिक एक्टिविटी है, सोशल एक्टिविटी है, तथा एक्टिविटी और मन अपने संदर्भ में और साथ ही अपने उद्गम में सामाजिक है। मतलब जो एक्टिविटीज होती है, सोशल एक्टिविटीज होती है, वो क्या है, अपने आप में सामाजिक है, वह सामाजिक क्रियाकलाप तथा सामाजिक मन है। दोस्तों ये कोटेशन यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने दी थी और ये युवा मार्क्स के अंदर इन्होंने बात की है जब वो युवा थे। हॉब्स ने रिजोल्यूटिव कंपोजिट का सिद्धांत किससे ग्रहित किया, मतलब किससे ग्रहण किया इन्होंने, हॉब्स ने रिजोल्यूटिव कंपोजिटिव। लेकिन सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा रिजोल्यूटिव कंपोजिटिव सिद्धांत क्या होता है। दोस्तों रिजोल्यूटिव कंपोजिटिव के सिद्धांत के अनुसार किसी विषय का अध्ययन करने के लिए उसके सबसे महत्वपूर्ण तत्वों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और कम महत्वपूर्ण तत्वों के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब रिजोल्यूटिव कंपोजिटिव का मतलब है अगर हम किसी चीज का अध्ययन कर रहे हैं तो उसके अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट तत्वों का ही हम अध्ययन करेंगे, छोटे मोटे इधर उधर के जो फैक्ट है उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने लिया था गैलीलियो से। ठीक है, यह किसका कथन है कि जे रूसो जैकोबियन निरंकुश तंत्र तथा सिजेरियन तानाशाही का जनक है तथा उसने कांट एवं हेगल के निरपेक्ष सिद्धांतों को अभिप्रेरित किया। यह किसने कहा, बिल्कुल कोटेशंस यहाँ पे दी है। आई डोंट नो कि इतना लो लेवल क्यों पूछा गया था इसमें। और आपको पता होगा कि जून 2013 का जो ये एग्जाम है सितंबर 2013 में रिकंडक्ट भी किया गया था। ठीक है, रिकंडक्ट हुआ ही ये दोबारा सेप्टेम्बर में। तो ये बात की गई थी, ड्यूगिट ने ये बात की है। निम्नलिखित में से किसने राज्य को नैतिक लक्ष्य से युक्त एक नैतिक संस्था माना है। ये क्या बोल रहा है, राज्य को क्या माना है, नैतिक लक्ष्य से युक्त एक नैतिक संस्था माना है। दोस्तों अगर यहाँ पे आप बेंथम को देखो, बेंथम ने नैतिकता की बात नहीं की है। बेंथम क्या बोलते थे कि अगर एक व्यक्ति को जुआ खेलने से आनंद मिलता है किताबें पढ़ने से ज्यादा, तो जुआ खेलना बेटर है। तो उसमें नैतिकता है कहीं, बिल्कुल भी नहीं है ना नैतिकता। इसीलिए कार्लाइल ने बेंथम की फिलॉसफी को बोला था पिग फिलॉसफी, कार्लाइल ने। ठीक है, और इनके ऑपोजिट यहाँ पे जे एस मिल ने नैतिकता की बात की थी कि जो हमारे सुख दुख होते हैं उसमें नैतिकता भी एक मापदंड होता है। तो ये राज्य को नैतिक लक्ष्य से युक्त नैतिक संस्था बोला था जे एस मिल ने। आई होप आप इसको नहीं भूलोगे। निम्नलिखित में से किसने द लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेस में इनका गठन किया था। दोस्तों ये बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है। द लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेस तो आपको पता होगा, इसमें मैन लगा दिया है, ये एमएन रॉय ने की थी, द लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस के अंदर ही इन्होंने एक रेडिकल कांग्रेस की स्थापना की थी जो कि बाद में इन्होंने खत्म भी कर दी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी कृति अरविंदो द्वारा रचित नहीं है। लाइफ डिवाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी कृति है, एसेज ऑन गीता, ये भी जब ये पौंडीचेरी में थे, और द आइडियल्स ऑफ ह्यूमन यूनिटी भी इन्होंने लिखी है, योग कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस इनकी बुक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, महात्मा गांधी द्वारा संचालित निम्नलिखित घटनाओं को सही काल क्रम में आपने व्यवस्थित करना है, और ये घटनाएं मतलब अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध विरोध प्रकटीकरण। जो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन की का जो प्रचलन था, जो लोग एशिया से अफ्रीका के अंदर जाते थे उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता था और उनको एक टोकन टाइप का वहां पे दिया जाता था घूमने फिरने के लिए। जिसके पास वो टोकन नहीं होता था उसे बहुत ज्यादा मतलब या कर लिया जाता था या उनको दंड दिया जाता था। तो ये एशियाटिक रजिस्ट्रेशन उन्होंने अफ्रीका में किया है। तो सबसे पहले चार होना चाहिए इसमें, तो चार यहाँ पे सिर्फ बी में है तो इसका करेक्ट आंसर भी बी होगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 1917 में चंपारण में नील फसल की जो खेती के विरुद्ध अपना विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद आपको पता ही है
भू राजस्व की वसूली के लिए इन्होंने खेड़ा आंदोलन। अब देखो यहाँ पे केरा आंदोलन लिखा है, आधे से ज्यादा लोग तो यही कंफ्यूजन में रह जाते हैं, केरा आंदोलन कब किया और किसका ये, तो ये खेड़ा आंदोलन है ठीक है। और सबसे लास्ट में अहमदाबाद में जो मिल में मजदूर थे उनके वेतन को बढ़ाने के लिए उनको संगठित किया था ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे लेखक दिए हैं और उनकी पुस्तक दी है ठीक है, पुस्तकें इनकी दी है। और ये क्वेश्चन समुदायवाद से है, समुदाय के ऊपर, समुदायवाद के ऊपर भी मैं लेक्चर बना चुका हूँ तो आप उसको देख सकते हैं। सबसे पहले है आर जे बर्नस्टीन, बर्नस्टीन ठीक है, बर्नस्टीन ने लिखी है द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। और एम सैंडल ने लिखी है, माइकल सैंडल, माइकल सैंडल ने लिबरलिज्म एंड द लिमिट ऑफ जस्टिस ठीक है। और माइकल, यहाँ तक वॉल्टजर लिखा है, वॉल्टजर नहीं है, माइकल वॉल्टजर है, स्फियर्स ऑफ जस्टिस अ डिफेंस ऑफ प्लूरलिज्म एंड इक्वेलिटी इन्होंने लिखी है। डब्ल्यू किमलिका, ये जो विल किमलिका है ये मल्टीकल्चरलिज्म की एक चिंतिका है, मतलब थिंकर है, इन्होंने लिखी है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल फिलोसफी। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, सी इसका करेक्ट आंसर है। लिखते क्वेश्चन नंबर 15, डैनियल बेल के लिए विचारधारा का अंत हो चुका है। दोस्तों डैनियल बेल आपको पता है 1960 में इन्होंने एक बुक लिखी है एंड ऑफ आइडियोलॉजी, एंड ऑफ आइडियोलॉजी, तो बिल्कुल सही बात है, इनके लिए विचारधारा का अंत हो चुका है। और इन्हीं से प्रभावित होकर 1992 में फुकुयामा ने लिखी थी एंड ऑफ हिस्ट्री, ये एंड ऑफ आइडियोलॉजी से रिलेटेड है ठीक है। यह किसी एक विचारधारा को अधिमान्य करने तथा हर अन्य विचारधारा को बदनाम करने के लिए है, बिल्कुल गलत। डैनियल बेल का जो कॉन्सेप्ट है एंड ऑफ आइडियोलॉजी, इनका मानना है कि औद्योगिकीकरण के कारण ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या हो रहा है, अमेरिका पूंजीवादी है, वहां पे क्या है, मार्केट पॉलिसी को अपनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ रूस आपका साम्यवादी है, वहां पे भी सेम मार्केट पॉलिसी को अपनाया जा रहा है ठीक है। दोनों में क्या है, प्रॉफिट अर्न करने की बात की जा रही है, भले ही वो साम्यवाद हो भले ही वो पूंजीवाद हो, दोनों में मार्केट तो एक जैसा चलेगा। इसलिए उन्होंने बोला कि मार्केट के कारण क्या है, आइडियोलॉजी एक दिन खत्म हो जाएगी, एंड ऑफ आइडियोलॉजी हो जाएगा ठीक है। तो इसका मतलब ये है, इन्होंने किसी को बदनाम करने की बात नहीं की थी, तो इसका मतलब है आर गलत है ठीक है, ए सही आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 16, यह किसका सुझाव है कि एक संकल्पना के रूप में स्ट्रक्चरेशन, स्ट्रक्चर्स तथा एक्टर्स के बीच संबंध का विश्लेषण करने का एक तरीका है। दोस्तों ये स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म से जुड़ा हुआ है, और मैंने आपको पहले भी दो बार बता दिया है कि टॉलकॉट पार्सन्स सोशियोलॉजी के थिंकर है, और इन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनल और सिस्टम अप्रोच का यूज किया है सोशियोलॉजी के अंदर ठीक है। और इसके अलावा, टॉलकॉट पार्सन के अलावा आपको पढ़ना पड़ेगा मर्टन, रॉबर्ट के मर्टन भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट थिंकर है वो भी। क्वेश्चन नंबर 17, ये राजनीतिक पक्षों के सिद्धांत, दोस्तों ये राजनीतिक पक्षों के सिद्धांत नहीं है, ये राजनीतिक दलों के सिद्धांत है कि राजनीतिक दल कैसे उभरे हैं। और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ये पूछा गया है, घुमा फिरा के उलझाने के लिए। तो ये राजनीतिक दलों का उत्थान कैसे होता है, उनका विकास कैसे होता है, विकास सिद्धांत किसने दिया, मतलब जो राजनीतिक दलों के उत्थान का विकास सिद्धांत किसने दिया, ये दिया है जोसेफ ला पेलम्बरा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनके साथ मायरन वीनर भी जुड़े हैं, मैं पहले भी आपके सामने इसको डिस्कस कर चुका हूँ विकास सिद्धांत को, तो मायरन वीनर भी इनके साथ जुड़े हैं, जोसेफ ला पेलम्बरा के साथ ठीक है। उसके बाद है स्थानिक सिद्धांत, स्थानिक सिद्धांत गिवोवोमिन सार्टोरी ने दिया है ठीक है, जी सार्टोरी भी इनको बोलते हैं, और ये डेमोक्रेटिक थ्योरी के बहुत ही जाने माने व्यक्ति है सार्टोरी ठीक है। उसके बाद है पुनः संलग्नता का सिद्धांत, ये बूहम एंड सेंट क्विस्ट ने दिया है ठीक है, सेंट क्विस्ट ने। और परिव्याप्ति सिद्धांत दिया है मॉरिस डुअर्जर ने, मॉरिस डुअर्जर ने, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 18,
आमंड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विकास के लिए एक शर्त नहीं है? पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए आमंड के अनुसार कौन सी शर्त नहीं है? संसाधनों की उपलब्धता, बिल्कुल इन्होंने बात की है, संसाधन अगर उपलब्ध होंगे तो नेचुरल से डेवलपमेंट में काम आएंगे ही आएंगे, ठीक है। विकास की अवस्थाओं का सॉरी चुनौतियों से पर्याप्त अनुक्रिया, बिल्कुल अगर आपको डेवलपमेंट अपनी करनी है तो चुनौतियों से आपको लड़ना पड़ेगा और चुनौतियों को हराना पड़ेगा। और उसके बाद है अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं का समरूप विकास, जितनी भी समाज के अंदर सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कास्ट बेस्ड, तो सभी सामाजिक व्यवस्थाओं का क्या है आपको एक मतलब एक रूप समरूप विकास करना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने कभी भी विकास की अवस्थाओं के ओवरलैपिंग की बात नहीं की है, परस्पर व्यापी की इन्होंने बात नहीं की है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी सी, इन्होंने परस्पर व्यापी की बात नहीं की है। निगमवाद एक उपागम है जो केंद्रीय रूप में देश से संबंधित है, कॉरपोरेट कॉरपोरेटिज्म भी इसको बोलते हैं, कॉरपोरेट जगत, बोलते हैं कि मोदी जी तो कॉरपोरेट घराने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये निगमवाद किससे रिलेटेड होता है? ये रिलेटेड होता है राज्य तथा समाज के बीच अंतःक्रिया विशेषता नीति को प्रभावित करने वाले सामाजिक हितों की भूमिका पर बल देती है, ठीक है। ये किस पे बल देता है निगमवाद? वाद यहां लगा है ना, वाद का मतलब इज्म, इज्म का मतलब ये कोई विचारधारा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो आपका कॉरपोरेट जगत होता है वो नीति को प्रभावित करने के लिए क्या करता है, सामाजिक हितों की भूमिका पे बल देता है। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें सूची एक को सूची दो से मिलाना है और ये भी पुस्तकों से रिलेटेड है, लेकिन इसमें क्या है दो पुस्तकें इजी है जो पहले भी पूछी जा चुकी है, तो आप इसको इजीली मैच कर सकते हैं, ज्यादा टफ ये आपके लिए नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो आप, गैब्रियल आमंड एंड सिडनी वर्मा पिछले 4 बार आ चुका है, इन्होंने द सिविक कल्चर लिखा है जिसमें इन्होंने कल्चर की बात की है, पॉलिटिकल कल्चर की बात की है। तो बी का यहाँ पे 3 होगा, बी का 3 यहाँ पे आप देख लो, सिर्फ एक में है, तो इसका करेक्ट आंसर भी यहाँ पे ए होगा, ठीक है। उसके बाद एंथनी डाउस, ये भी रिपीट हुए हैं, एंथनी डाउस ने दी है इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। और स्टीन रॉकन ने दी है सिटीजन्स इलेक्शन पार्टीज, और गोस्टा एस्पिंग एंडरसन ने दी है द 3 वर्ल्ड्स ऑफ वेलफेयर कैपिटलिज्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, सहकारी संघवाद पद का उदय कब हुआ? सहकारी संघवाद इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये हुआ है जब यूएसए में न्यू डील लेजिस्लेशन का समय था, न्यू डील लेजिस्लेशन। दोस्तों न्यू डील लेजिस्लेशन के बारे में आपको बता दूं, 1930 के आसपास क्या ग्रेट डिप्रेशन आता है यूएसए में, डिप्रेशन मतलब वहां पे मंदी छा जाती है, और उस मंदी से निपटने के लिए जो उस टाइम के वहां के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, रूजवेल्ट ने क्या किया, जो छोटे छोटे लोग थे जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे उस मंदी से, उनको उभारने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक नए तरीके की नीति अपनाई थी और उनको सपोर्ट किया था, इसी को न्यू डील लेजिस्लेशन बोला जाता है, और यहीं से सहकारी संघवाद की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन द्विध्रुवीय दलीय प्रणाली का गुण नहीं है? अब दोस्तों यहाँ पे टू पोलर पार्टी सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है, बायपोलर, बायपोलर पार्टी सिस्टम की बात हो रही है, ना कि टू पार्टी सिस्टम की। द्विदलीय व्यवस्था नहीं है ये, द्विध्रुवीय व्यवस्था है, ठीक है। ध्रुव तो आप समझते हैं ना, जैसे एक ध्रुव था यूएसएसआर, एक था यूएसए, इसलिए आपने दो पार्टी नहीं कंफ्यूज करना कि जैसे बीजेपी और कांग्रेस, ठीक है। तो गुण देखते हैं, बहु तथा द्विदलीय प्रणाली दोनों के तत्व, बहु तथा द्विदलीय प्रणाली दोनों के तत्व इसमें पाए जाते हैं। आप इंडिया का एग्जाम्पल ले लो, इंडिया में भी द्विध्रुवीय दल प्रणाली है अभी, ठीक है। इसमें क्या है, बहु पार्टी सिस्टम मल्टी पार्टी सिस्टम है बिल्कुल, और द्विदलीय प्रणाली भी चल रही है, कभी बीजेपी आ रही है कभी कांग्रेस आ रही है, ठीक है, मिलीजुली सरकार, बिल्कुल सही बात।
मिलीजुली सरकार तो यहाँ पे बनेगी, जहां पे दो पोल बनेंगे तो मिली गठबंधन की सरकार तो बनेगी, क्योंकि किसी को भी स्पष्ट बहुमत यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे दल हैं। अनेक दलों से निर्मित दो बड़े सहमिलन, बहुत सारे दल मिलके, हो सकता है 50 दल मिलके गठबंधन बना दे, जैसा कि यूपीए बना, उसके बाद एनडीए बना, तो मतलब बहुत सारे दलों से एक सहमिलन या गठबंधन बनेगा, लेकिन बारी बारी दलों के बीच सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा। ये सी यहाँ पे बिल्कुल गलत है। जो आपका द्विध्रुवीय दल प्रणाली होती है, सिर्फ दो ध्रुवों के बीच दल का क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है, दो ध्रुवों के बीच, कभी एक ध्रुव आएगा कभी दूसरा ध्रुव आएगा, ठीक है, लेकिन उसके बीच दल, जो अंदर वाले दल है, उसको कभी सत्ता का परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ ध्रुवों में होता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित विवेकशील वर्ण रैशनल चॉइस मॉडल निर्वाचक अध्ययनों में सर्वाधिक लोकप्रिय रहे, ठीक है, ये क्या है आपके विवेकशील वर्ण मॉडल, ठीक है, रैशनल चॉइस मॉडल दिए हैं एंथनी डाउन्स ने, एंथनी डाउन्स ने। उन्नत पूंजीवाद और विकसित समाजवाद के बीच एक्वेंस एन एनवीएन सॉरी कन्वियंस उन्नत और विकसित समाजवाद के बीच कन्वियंस सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया, उन्नत और विकसित समाजवाद के बीच किया था एसपी हंटिंगटन ने। इसको मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा आपके सामने। निम्नलिखित में से किस अभिजात सिद्धांतवादी, अभिजात का मतलब है एलीट थ्योरिस्ट, ने यह कहा है कि अपने व्यक्तिगत गुणों के कारण कोई व्यक्ति समाज में उतना प्रभावी नहीं होता है, मतलब अपने व्यक्तिगत गुण के कारण कभी भी व्यक्ति प्रभावी नहीं बन सकता है, जितना वह जनसमूह द्वारा उसमें सामाजिक ऊर्जाएं भर दिए जाने के कारण होता है। तो ये रॉबर्ट मिशेल ने बात की है, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, अल्पतंत्र का लौ सिद्धांत। अल्पतंत्र का लौ सिद्धांत ये है कि व्यक्तियों में उतनी ज्यादा पावर नहीं होती है कि वो एकदम से मतलब संगठन के उच्च स्थान पे पहुंच जाए, ये जो अंदर संगठन के अंदर जो लोग होते हैं ना, छोटे छोटे जनसमूह होते हैं, वो चाबी देते हैं, और वो एक मतलब जो मतलब किसी काम का नहीं होता ना, उसको भी नेता बना देते हैं। तो ये आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की होता है, ठीक है। एडवर्ड शेल्स की राजनीतिक व्यवस्था की कोटियों का सही कालानुक्रम आपको बताना है। और दोस्तों इसमें एडवर्ड शेल, इन्होंने क्या है पॉलिटिकल डेवलपमेंट की भी बात की है एडवर्ड शेल्स ने, और इनकी कोटियों को इंग्लिश में लिख लेते हैं, क्या बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ एडवर्ड शेल्स कैटेगराइज, कोटियों का मतलब है कैटेगराइज, जो इन्होंने कैटेगराइज किया है राजनीतिक पॉलिटिकल सिस्टम को, उसकी आपको कोटियां बतानी है। तो इसमें है, सबसे पहले इन्होंने बात की है राजनीतिक लोकतंत्र की। सबसे पहले क्या शुरू होता है, राजनीतिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र से वो बदल जाता है संरक्षात्मक लोकतंत्र, और लोकतंत्र से बदल जाता है अल्पतंत्र में। जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में कुछ लोग क्या है एलीट होते हैं, और एलीट क्या होते हैं, एलीट अल्पतंत्र होते हैं, छोटे कम समूह होता है ना, तो अल्पतंत्र का क्या होता है, आधुनिकीकरण हो जाता है संरक्षणात्मक लोकतंत्र के अंदर, और उसके बाद क्या बन जाता है, वो टोटेलिटेरियनिज्म अल्पतंत्र। जो यहाँ ऊपर अल्पतंत्र था, ये टोटेलिटेरियनिज्म बन जाएगा बाद में, क्योंकि वही सारे के सारे निर्णय लेने लगेगा जो एलिट होंगे 4-5 लोग, तो उससे क्या होगा, वो टोटेलिटेरियनिज्म बन जाएगा और पारंपरिक अल्पतंत्र में वो कन्वर्ट हो जाएगा। पारंपरिक जो पहले वाला अल्पतंत्र होता था ना, जैसे पुराने टाइम में होता था, उसमें वो वापस कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बात की है एडवर्ड शेल्स ने, तो इसका सही कालक्रम है 1, 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 27। समीर आमीन ने यह तर्क दिया है कि मार्क्स ने पहले ही पूर्वानुमान कर लिया था कि कोई भी औपनिवेशिक शक्ति पूंजीवाद का स्थानीय विकास लंबे समय तक करने में सक्षम नहीं होगी, ऐसा गैर यूरोपीय समाज के बारे में जानकारी की कमी के कारण था। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप इसमें थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, समीर अमीन का अगर आपको पता भी नहीं है, ठीक है, पता भी नहीं कि उन्होंने क्या बोला है, क्यों बोला है, ठीक है, लेकिन अगर आप इस अभिकथन को ढंग से पढ़ोगे ना, मार्क्स ने पूर्वानुमान लगा दिया था कि औपनिवेशिक
औपनिवेशिक शक्ति पूंजीवाद का स्थानीय विकास लंबे समय तक करने में सक्षम नहीं होगी, हालांकि अभी हुई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने यूरोप के बाहर के समाज के बारे में पढ़ा नहीं था मार्क्स ने, या फिर ज्यादा उन्होंने उसके बारे में सोचा नहीं था, उनके जानकारी नहीं थी उनको। तो इसका करेक्ट आंसर है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है वो आपको बताने हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति केवल एक बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है, बिल्कुल एक बार ही पुनः निर्वाचित, एक बार निर्वाचित नहीं हो सकता, यहाँ पे पुनः दिया है ना, मतलब दो बार बन सकता है, एक बार पहले और एक बार पुनः। देशद्रोह घूसखोरी तथा अन्य अपराधों के लिए उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। इसी वजह से आपको पता है वाटर कांड के कारण एक राष्ट्रपति निलंबित भी हुए हैं, वो निक्सन थे या रीगन थे, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है। महाभियोग प्रस्ताव की सुनवाई की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, बिल्कुल ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वहाँ का, उसके द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों एक ही राज्य से हो सकते हैं? नहीं दोस्तों, अमेरिका के अंदर एक ट्रेडिशन बना है ये, मतलब कोई मतलब संविधान में ऐसा नहीं है, लेकिन ये परंपरा के हिसाब से वहाँ पे बना है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक ही राज्य से नहीं हो सकते। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 29, लिंग की राजनीति अब राजनीति के सीमांत से संलग्न नहीं रह गई है, मतलब जो आपकी लिंग की राजनीति है ना वो अब राजनीति के जो बाउंड्री है ना उससे संलग्न नहीं रह गई है, बहुत अंदर चली गई है, ठीक है, जेंडर स्टडी बहुत अंदर चली गई है, लेकिन नीति और कानून के निर्माताओं के लिए यह केंद्रीय सरोकार का विषय है। इस मुद्दे को किस श्रेणी में रखा जाएगा? इसको रखा जाएगा पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के अंदर क्यों रखा जाएगा इसको? क्योंकि पहले क्या होता था, जेंडर स्टडी को क्या रखा जाता था, बहुत ही हीन समझा जाता था, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन जैसे जैसे पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन हुआ है जेंडर को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा है, जेंडर इक्वलिटी की बात होने लगी है, LGBT की बात होने लगी है, ठीक है, तो ये मॉडर्नाइजेशन के कारण ही हुआ है, ठीक है। यह किसका दृष्टिकोण है कि एक संगठन के रूप में नौकरशाही अपने व्यवहार को अपनी त्रुटियों से सीख लेकर सही नहीं कर सकती है? मतलब जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है ना अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखती है, बिल्कुल अड़ियल है, ठीक है, तो ये बात किसने कही है? ये बात की है एम क्रोजियर ने, और बिल्कुल ये आप देख रहे हो एम क्रोजियर क्या है, बहुत बड़े आलोचक है नौकरशाही के, ब्यूरोक्रेसी के। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित कथन किसका है, कोटेशन टाइप का है, हमारे जीवन में नई रोशनी आ गई है जो हमें यह सीख देती है कि राजा जनता के लिए है, जनता राजा के लिए नहीं है, ये बात किसने कही है? ये बात कही है दादा भाई नौरोजी ने। भारत की संविधान सभा में नीचे दिए गए कथन के द्वारा पंचायती राज प्रणाली का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया था? पंचायती राज जो शासन था उसका समर्थन किसने किया था? लोकतंत्र के हित में गांवों को स्वशासन की कला में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, हमें गांव में सुधार लाने की क्षमता विकसित करनी होगी और वहां लोगों को शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों से परिचित कराना होगा, अनंत शनम अयंगर ने यह बात की है, कि आपको रटनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों में स्थित उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? ये राज्यों के उच्च न्यायालय की बात की गई है, उसके क्षेत्र में क्या नहीं आता है? यह निचले न्यायालयों से जुड़ी अपीलों की सुनवाई कर सकता है, बिल्कुल करता है, हाई कोर्ट करता है सुनवाई। यह मौलिक अधिकारों के पुनर्स्थापन के लिए रिट जारी कर सकता है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है और हाई कोर्ट, तो ये इसके मौलिक क्षेत्र में आता है या न्यायिक क्षेत्र में आता है। यह दो राज्यों के बीच नदी जल बंटवारे के बारे में निर्णय दे सकता है, बिल्कुल गलत, इसको मैं अभी डिस्क्राइब करता हूँ आपके सामने।
यहाँ अपने से नीचे स्थित न्यायालयों का अधीक्षण और नियंत्रण करता है। बिल्कुल सही, ये तीनों के तीनों सही है। लेकिन ये जो यहाँ पे नदी जल विवाद के लिए आर्टिकल 262 के अंदर इंटर स्टेट वाटर काउंसिल की स्थापना की गई है, ठीक है, अंतरराज्यीय जल परिषद आर्टिकल 262 में, 263 में अंतरराज्य परिषद जो बनी है 263 के अंदर है, तो जो अंतरराज्यीय जल विवाद परिषद बनी है वो निर्णय देती है जल विवाद से संबंधित दो राज्यों के बीच, ना कि राज्य के उच्च न्यायालय। और हाँ, अगर दो राज्य संतुष्ट नहीं होते हैं किससे, काउंसिल से, जो काउंसिल ने निर्णय दिया है उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, तो ये सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ना कि हाई कोर्ट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, क्वेश्चन नंबर 34। और यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष दिए हैं, इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बनाई है, लेकिन मैं आपके सामने अपलोड नहीं कर पाया हूँ। उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ट्रिक है, मैं जल्दी से जल्दी आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। और वो ट्रिक है, गणेश दो बार आया, गणेश दो बार आया, बलिराम की बलि लेने जाखड़, हेगड़े के जाखड़ में, इस टाइप की ट्रिक है, लेकिन मैं अभी आपके सामने उसको नहीं बताऊंगा। तो ये आपको बताना है, सबसे पहले देखो आप इसमें आए हुकम सिंह, तो पहले होने चाहिए चार, दो में यहाँ पे चार है, हुकम सिंह के बाद आए हैं बलिराम, बलिराम भगत, ठीक है, ढिल्लो बलिराम भगत, तो 4-3-2-1, इसका सही कालक्रम होगा 4-3-2-1। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसने 1990 में भारत का अभिलक्षण अमिलेनियम म्यूटिनीज के रूप में किया, अमिलेनियम म्यूटिनीज, ये भी आपको एक टाइप से रटना पड़ेगा, मतलब वैसे याद हो जाएगा आपको, ये बात की है वी एस नायपाल ने, अमिलेनियम म्यूटिनीज। रोजेस इन दिसंबर किसकी जीवनी है, रोजेस इन दिसंबर किसकी, किसके जीवन पे ये रचना की गई है, ये मोहम्मद करीम छाबला, इनकी जीवनी है ये। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पे कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां दी गई है, और उन क्षेत्रीय पार्टियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है वो आपको बताना है। राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल, तो राष्ट्रीय लोकदल की उत्पत्ति हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। इंडियन नेशनल लोकदल की उत्पत्ति हुई है हरियाणा के अंदर, ठीक है, INLD हरियाणा में है, जनता दल सेक्युलर कर्नाटक में है, और RJD आपको पता ही है, RJD के प्रमुख भी आपको पता होंगे, ये बिहार से है, RJD की उत्पत्ति बिहार में हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन द न्यू रीजनल पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट पुस्तक का लेखक या संपादक है, किसने इसे संपादित किया है, तो इसके संपादक है एंथनी पेन। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसने भारत को लोकतांत्रिक विकासात्मक राज्य कहा है, दोस्तों किसने क्या कहा, क्यों कहा, यही इसमें ज्यादातर 25 क्वेश्चन यही है, ठीक है, तो बहुत ही मुश्किल तो क्या बोले, बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि ये जिसने रट्टा मारा होगा ना, और जिसने बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी होगी, कॉन्सेप्ट समझ आए ना आए, उस टाइप के क्वालिफाई कर गए होंगे इसको। ये अतुल कोहली ने बोला है भारत को लोकतांत्रिक विकासात्मक राज्य, और ये राज्य दिए हैं, और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें जो कि लोकसभा के अंदर है। और दोस्तों इसमें तो आप कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं, मध्य प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे SCs की, तो सबसे ज़्यादा तो मध्य प्रदेश में ही होने चाहिए, तो मध्य प्रदेश से हैं लोकसभा के 6, तो डी का 3 है, डी का
यहाँ पे दो जगह है। उसके बाद आप एक गैस कर सकते हैं, अगर आपने पहले एक बार ध्यान से इसको देखा है तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो अभी छत्तीसगढ़ का मुझे पता है, छत्तीसगढ़ से हैं चार, छत्तीसगढ़ से हैं चार, सॉरी छत्तीसगढ़ से चार है। तो यहाँ पे बी का एक होना चाहिए, बी का एक यहाँ पे है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, बी इसका करेक्ट आंसर है। और अब बचे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से है तीन और झारखंड से है, झारखंड से है पांच। ठीक है, देखते अगला क्वेश्चन। ये दबाव समूह, जो दबाव समूह है इनके, ये यहाँ पे दबाव समूह के टाइप दिए हैं और साथ में दबाव समूह दिए कि किस टाइप के दबाव समूह कौन से हैं। संस्थागत दबाव समूह, इंस्टीट्यूशनल दबाव समूह का मतलब है जो किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर बने होते हैं, किसी संस्था के अंदर बने होते हैं। ठीक है, सामुदायिक दबाव समूह होते हैं जो किसी समुदाय के अंदर बने होते हैं, गैर सामुदायिक दबाव समूह होते हैं जिसकी प्रकृति समुदाय के रूप में नहीं होती, और एनोमिक दबाव समूह होते हैं जो कि कुछ टाइम के लिए बने होते हैं, कुछ सीमित उद्देश्यों के लिए बने होते हैं और उद्देश्य पूरा होने के बाद खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको। राजस्थान में गोपालगढ़ के सांप्रदायिक दंगे, जो सांप्रदायिक दंगे किसी दल या दबाव समूह के द्वारा किए जाते हैं, दंगों के बाद वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, तो ये क्या है, एनोमिक, एनोमिक। तो डी का यहाँ पे चार, डी का चार यहाँ पे दो है। उसके बाद है सामुदायिक दबाव समूह, सामुदायिक दबाव जो समुदाय से जुड़े हैं, समुदाय से जुड़ा है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ, तो ये अनुसूचित जाति एक समुदाय है, तो बी का दो होना चाहिए, बी का दो और डी का चार, बी का दो और डी का चार, सॉरी बी का दो और डी का चार। तो इसका मतलब, इसका करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे ये है ए। ठीक है, उसके बाद गैर सामुदायिक दबाव समूह, जो समुदाय के नेचर के नहीं है, वो है विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अखिल भारतीय महासंघ। ओके फ्रेंड्स, और ये भारतीय विश्वविद्यालय संघ आपको पता ही है, विश्वविद्यालय क्या है, एक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसने भारत को बहुकेंद्रित राष्ट्रवाद के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया, बहुकेंद्रिक राष्ट्रवाद, बहुकेंद्रिक राष्ट्रवाद भारत को बोला है, एंथनी डी स्मिथ ने, एंथनी डी स्मिथ ने। इनकी एक बुक है आई थिंक इमेजिन्ड कम्युनिटी इन्होंने लिखी है, उसके अंदर इन्होंने ये बात की है। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक है रामचंद्रन गुहा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम अखिल भारतीय महिला संगठन है जो कि 1926 में कार्यशील हुआ, मतलब 1926 में कौन सा अखिल भारतीय महिला संगठन बना था, तो 1926 में बना था ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1926 में बना था। और मैं आपको बता दूं, जो इसकी पहली अध्यक्ष थी वो थी कमला देवी चट्टोपाध्याय, कमला देवी चट्टोपाध्याय। गुलिक ने निम्नलिखित में से किसे मुख्य कार्यपालक के कार्यों में शामिल नहीं किया है। ठीक है, कर्मचारियों की भर्ती, बिल्कुल कर्मचारियों की भर्ती जो है वो मुख्य कार्यपालक, मतलब जो चीफ एग्जीक्यूटिव करता है वो कर्मचारियों की भर्ती करता है, वो निर्देश भी देता है और वो उनके बीच समन्वय भी करता है, लेकिन अधीन निर्णय वो नहीं देता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, उन्होंने अधीन निर्णय की बात नहीं की है। दोस्तों, गुलिक ने संगठन के 10 सिद्धांत दिए हैं, एक बार उनको जरूर आपने देख लेना है, उनमें से पूछा जा सकता है कभी भी। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांतों की सूची में शामिल नहीं है। इन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिए हैं हेनरी फ्योल ने, तो 14 के 14 आपको मतलब एक याद होने चाहिए कि ये दिया है ये नहीं दिया है।
तो इन्होंने सुबोर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट की बात की है, बिल्कुल सही। इन्होंने समूह एस्प्रिट डी कॉर्प बोलते हैं ये समूह की भावना को, ये भी बात की है। इक्विटी की भी इन्होंने बात की है, तो ये तीन बात की है, लेकिन इन्होंने संविदा के आधार पर नियुक्ति की बात नहीं की है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस इन्होंने नियुक्ति की बात नहीं की है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दो की इन्होंने बात नहीं की है, बाकी सब की है। तो यहाँ पे 1 3 4 बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में मजदूरों द्वारा विकसित कोड के तहत, मजदूरों ने कोड विकसित किए होते हैं ठीक है, और ये मैं ह्यूमन रिलेशन स्कूल के अंदर एल्टन मेयो का जो आवर्तन परीक्षण था वो मैं आपको बता चुका हूँ, उसके अंदर सब कुछ आपके सामने डिस्कस किया है मैंने। ये मजदूरों द्वारा विकसित कोड के तहत जो मजदूर अपने विशिष्ट अधिकारी के पास अपने साथियों के बारे में प्रतिकूल सूचनाएं पहुंचाता है उसे कहा जाता है मुखबिर। उसे क्या बोला जाता है? मुखबिर। मुखबिर को बोला जाता है स्क्विलर। स्क्विलर भी बोला जाता है मुखबिर को, इंग्लिश में स्क्विलर बोला जाता है। स्क्विलर को कबूतर का बच्चा बोला जाता है, जैसे कबूतर का बच्चा है ना, इधर से उधर इंफॉर्मेशन ले जाता है ठीक है। पजलर उन्होंने कहीं भी यूज नहीं किया है। उसके बाद रेट बस्टर, रेट बस्टर होता है जो जरूरत से ज्यादा उत्पादन करता है, और चिजलर होता है जो जरूरत से कम उत्पादन करता है। तो ये तीनों टर्म आपको याद होनी चाहिए, लेकिन जो सूचना पास करता है वो है मुखबिर या स्क्विलर। क्वेश्चन नंबर 49, हर्बर्ट साइमन के अनुसार कोई निर्णय निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? ये डिसीजन मेकिंग थ्योरी जो इन्होंने दी है उसके अंदर इन्होंने बोला है अनेक मूल्य कथन और अनेक तथ्य कथन। जब हम डिसीजन लेते हैं ना तो हमारे सामने बहुत सारे वैल्यूज होती है हमारी ठीक है, वैल्यूज होती है और बहुत सारे तथ्य होते हैं, इसको चुने उसको चुने किसको चुने ठीक है। तो उन्होंने बोला है जब भी हम डिसीजन लेते हैं तो उसमें मिश्रण किसका होता है? बहुत सारे मूल्यों का और बहुत सारे तथ्य कथनों का। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित संगठन सिद्धांतों में से किसका निरूपण मूनी और रीले ने नहीं किया है? इन्होंने सोपान सिद्धांत की बात की है। सोपान सिद्धांत मतलब इंग्लिश में ही देख लेते इसको, ये स्केलर प्रिंसिपल, स्केलर चेन की बात की है मुनी एंड रीले ने, फेमस जाने जाते हैं इसके लिए। स्टाफ और लाइन प्रिंसिपल की भी बात की है और फंक्शनल प्रिंसिपल की भी बात की है। इन्होंने इक्विटी प्रिंसिपल की बात नहीं की है ठीक है, तो इन्होंने इक्विटी प्रिंसिपल की बात यहाँ पे नहीं की है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 50 का करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में क्लासिकी सिद्धांत का सबसे विस्तृत निरूपण मिलता है? जो क्लासिकल थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी का जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण या अच्छा विवरण मिलता है हमें मुनी एंड रीले की बुक है, ये है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1937 के अंदर आई है और इसके एक साल बाद आई है फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, जो कि बर्नार्ड ने लिखी है। इसके अंदर क्लासिकल थ्योरी का बहुत ज्यादा अच्छे से विश्लेषण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52, मैक्स वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नौकरशाही का अभिलक्षण नहीं है? मैक्स वेबर की नौकरशाही का आपने सिद्धांत पढ़ लिया होगा, लीगल रैशनल ठीक है। पद का उसके पदाधिकारी से अलगाव, बिल्कुल सही बात। इन्होंने बोला था कि शक्ति किस में होती है? कुर्सी में होती है। व्यक्ति कुर्सी से उतरा तो वो शक्तिहीन हो गया ठीक है। नियमों का कठोरता से पालन, बिल्कुल सही बात। जो भी नियम ब्यूरोक्रेसी के अंदर बनाया है उसका कठोरता से पालन किया जाता है। अधिकारियों का निश्चित पारिश्रमिक दिया जाता है, अगर किसी को 10,000 देने हैं तो 10,000 ही दिए जाएंगे, तो निश्चित है वो। लेकिन संरक्षक द्वारा चयन ब्यूरोक्रेसी का नहीं किया जाता है ठीक है, संरक्षक द्वारा नहीं किया जाता है। जो ब्यूरोक्रेसी होती है, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, ये हमारी मतलब एग्जाम होता है ब्यूरोक्रेसी, जैसे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दिए जाते हैं ठीक है, थीके? तो ये संरक्षण द्वारा इनका चयन नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय प्रक्रिया का अंग नहीं है? डिसीजन मेकिंग का अंग कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। यह अवचेतन कार्यवाही है। अवचेतन कार्यवाही, अब ये अवचेतन होता है इरेशनल,
जब आप डिसीजन लेते हो तो इरेशनल तरीके से लेते हो, सोचने की बात है ना, अपना दिमाग यूज करते हो ना, रैशनल तरीके से कोई डिसीजन लेते हो तो ये अवचेतन प्रक्रिया तो हो ही नहीं सकती कभी भी नहीं। ये रैशनल यहाँ पे अगर होता, अगर चेतन प्रक्रिया होता तो ये बिल्कुल सही होना था, तो ये इसका अंग नहीं है। उसके बाद देखिए, यहाँ एक ही बार में की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है। डिसीजन आप एक बार ही नहीं ले लेते कि ले लिया और बैठ के साइड, डिसीजन आपको हर मोड़ पे लेना पड़ेगा। आपको खाना खाना है तो भी डिसीजन लेना है, आपको पानी पीना है तो भी डिसीजन लेना है, आपको कोई भी काम करना है तो डिसीजन आपको हर बार लेना पड़ेगा, ये एक बार नहीं दिया जाता है। यहाँ परिवेशगत कार्यवाही है, एनवायरमेंट भी इसको प्रभावित करता है। ठीक है, अगर हम किसी मतलब बहुत ही डरी हुई स्थिति में डिसीजन लेते तो हमारा डिसीजन बिल्कुल ही खराब हो सकता है, तो परिवेश या एनवायरमेंट का प्रभाव पड़ता है इसमें। इसमें अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले अध्ययन करने और विकल्पों का पता लगाने की जरूरत होती है। बिल्कुल, हम लास्ट डिसीजन में तभी पहुंचेंगे ना जब हम विश्लेषण करेंगे कि ये हमारे लिए ज़्यादा सही है कि वो सही है, किससे हमें फायदा होगा किससे घाटा होएगा, तो उसमें विकल्पों का तो पता लगाना जरूरी होता है। उसका करेक्ट आंसर है अवचेतन कार्यवाही ये नहीं है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन से स्टाफ अधिकारी कहलाते हैं? स्टाफ अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर, स्टाफ वर्कर कौन कहलाते हैं? ये होते हैं सलाहकार स्टाफ। जो स्टाफ अधिकारी होते हैं ये एग्जीक्यूटिव को सलाह देते हैं कि आपने ये करना है, आपने वो करना है, आपको वो नहीं करना है। ठीक है, प्रशासन की निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सी अवधारणा संरचना स्ट्रक्चर की बजाय कार्यवाही उन्मुख है? ये संरचना को ज्यादा महत्व तो नहीं देता है, और ये एडवर्ड वीडनर का कॉन्सेप्ट है। इन्होंने बोला था विकास प्रशासन को गोल ओरिएंटेड एंड चेंज ओरिएंटेड, ये है विकास प्रशासन, और एडवर्ड विंडनर की ये कोटेशन है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वमान्य नहीं है? लेखाकरण, लोक प्रशासन में भी लेखाकरण होता है, निजी में भी होता है, अकाउंटिंग तो आपको करनी ही पड़ती है। प्रबंधकीय तकनीकें भी दोनों में यूज होती है, बिना प्रबंधकीय तकनीकों के बिना दोनों नहीं चल सकते हैं। विषय क्षेत्र और जटिलता, और यहाँ पे दिया है भराव, इसमें से कौन सा नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो भराव का मतलब यहाँ पे क्या मतलब है? रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट आपको दोनों में ही करनी पड़ती है ना, फिलिंग आपको दोनों में ही करनी पड़ती है, और सबसे लास्ट में विषय क्षेत्र और जटिलता। दोस्तों, जितना जटिल लोक प्रशासन है उतना जटिल निजी प्रशासन कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि निजी प्रशासन तो एक सीमित क्षेत्र में होता है ना, सीमित क्षेत्र में, कंपनी को लेके होगा, एक कॉरपोरेट एमएनसी को लेके होगा, लेकिन जो आपका लोक प्रशासन है ये पूरे देश को लेके होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा जटिलता होती है। इसका करेक्ट आंसर है डी, ये बिल्कुल सर्वमान्य नहीं है इसे। क्वेश्चन नंबर 57, स्वतंत्रता के बाद भारत में वित्तीय पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आरंभ हुई? दोस्तों, ये वित्तीय पंचवर्षीय योजना, इसका क्या मतलब है? जो वित्त आयोग बनता है ना आर्टिकल 280 के अनुसार, ये वित्त आयोग की बात कर रहा है। वित्त आयोग 5 साल बनता है ना, तो वित्तीय पंचवर्षीय यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इसका मतलब है वित्त आयोग कब से गठित किया जा रहा है या कब से शुरू हुआ है 5 वर्ष के बाद गठित करना, तो ये 1950-51। बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपसे घुमा फिरा के इतना पूछा है कि आप कंफ्यूज ही हो जाओगे कि पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 58, जिला प्रशासन के शीर्ष पर जिलाधीश सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। बिल्कुल, जिला प्रशासन का जो हेड होता है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का अधिकारी होता है, वो होता है डीसी, जिलाधीश। बिल्कुल सही बात कर रहा है। स्वतंत्रता के बाद उसकी भूमिका उत्तरोत्तर बहुआयामी होती गई है, क्या इसी कारण वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उसकी भूमिका बहुआयामी हो गई है, कि उसको ये काम भी करना है, उसको वो काम भी करना है? बिल्कुल नहीं, जिला जो डीसी होता है वो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर जो मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिस्ट्रिक्ट के अफेयर की, ना कि इसलिए कि वो बहुत सारे काम करता है। तो इसका मतलब है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59, लेखक और पुस्तकें, ये तो ईजी है क्योंकि ये पब्लिक एड से और एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर से आया है,
चेस्टर आई बर्नार्ड, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव 1938 के अंदर इन्होंने लिखी है। तो ए का यहाँ पे चार, ए का चार सिर्फ यहाँ पे एक जगह पे है, तो इसका आंसर तो आप एक बुक से ही निकाल सकते हो। हर्बर्ट साइमन आपको पता है ये बिहेवियरल अप्रोच से जुड़े हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो बी का तीन, बी का तीन से मैच हो रहा है। उसके बाद सी का दो है, ड्वाइट वाल्डो ने संपादित की है, ड्वाइट वाल्डो ने संपादित की है आइडियाज़ एंड इश्यूज़ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और मार्शल डिमॉक ने लिखी है फिलोसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 16, निष्पादन बजट निर्माण कब लोकप्रिय हुआ? दोस्तों निष्पादन बजट क्या होता है? निष्पादन बजट होता है जैसे आपको कोई काम करना है ना, और उसको निष्पादित करने के लिए, उस काम को करने के लिए आपको कितने बजट की जरूरत है, उस काम को पूरा करने के लिए आपको बजट उस अनुसार दिया जाएगा। लेकिन जो हमारा बजट होता है ना एनुअल बजट, उसमें पहले ही डिसाइड किया जाता है इतना इसके लिए देंगे, इतना उसके लिए देगा। लेकिन निष्पादन बजट के अंदर जितना काम के लिए लग रहा है उतना सैंक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों ये 1950 के दशक में शुरू हुआ है, और ये इंडिया में शुरू नहीं हुआ है, निष्पादन बजट 1950 के दशक में अमेरिका में शुरू किया गया है। बहुध्रुवीय व्यवस्था की तुलना में द्विध्रुवीय व्यवस्था के स्थायित्व से संबंधित केनेथ वॉल्ट्ज के तर्क का आधार किसने ग्रहण किया? दोस्तों केनेथ वॉल्ट्ज को आपको पता है ये न्यू रियलिस्ट है, न्यू रियलिस्ट इनको बोला जाता है, या स्ट्रक्चरल रियलिस्ट है, और जॉन मार्शी मायर भी रियलिस्ट है, और ये केनेथ वॉल्ट्ज से प्रभावित थे। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 62, लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत को आईआर के किस सैद्धांतिक उपागम के अंतर्गत रखा जाता है? लोकतांत्रिक शांति का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिन देशों में लोकतंत्र स्थापित हुआ है ना, फॉर एग्जाम्पल दो देशों में डेमोक्रेसी स्थापित हुई है, तो दो डेमोक्रेसी कभी भी आपस में नहीं लड़ती है। तो ये बात है यहाँ पे सांस्थानिक उपागम या सांस्थानिक उदारवाद की, कि दो इंस्टीट्यूशन है, दो इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन मतलब दो डेमोक्रेसी है, एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, बी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, और ये कभी भी आपस में नहीं लड़ते हैं। तो ये सांस्थानिक उपागम या क्लासिकल उदारवाद भी इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही नहीं है वो आपको बताने हैं, और ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो सही नहीं है वो आपको बताने हैं। सुरक्षा संबंधी दुविधा राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण विरोधाभास है, बिल्कुल सही बात। जो सिक्योरिटी डायलेमा है ना, सिक्योरिटी डायलेमा है, और राज्य व्यवस्था का विरोधाभास है, क्योंकि सिक्योरिटी डायलेमा में क्या करते हैं लोग, शस्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा होड़ लग जाती है। तो जो राज्य व्यवस्था का काम क्या होता है, राज्य व्यवस्था का काम होता है लोगों की भलाई के लिए काम करना, तो वो लोगों की भलाई से बिल्कुल हट जाते हैं और शस्त्र नियंत्रण मतलब शस्त्र बनाना शुरू कर देते हैं। हथियारों की होड़ राज्यों की असुरक्षा को बढ़ाती है, बिल्कुल सही बात। जब हथियारों की होड़ दो देशों में लग जाएगी सिक्योरिटी डायलेमा के कारण, तो नेचुरल सी बात है राज्य में असुरक्षा तो बढ़ती ही रहेगी। अस्त्र शस्त्र नियंत्रण एक समाधान है, लेकिन दोस्तों जो ये दो यहाँ पे आप पढ़ोगे, ये दो जो लाइनें दी गई है, तो ये रियलिज्म की बात कर रहा है, तो रियलिज्म कभी भी अस्त्र शस्त्र नियंत्रण को समाधान नहीं मानता है। ठीक है, रियलिज्म बोलता है कि युद्ध तो एक दिन होके रहेगा। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे आपका अगर सिक्योरिटी डायलेमा चला है और आप यहाँ पे शस्त्र नियंत्रण करने लग जाओगे, तो उससे समाधान नहीं होएगा। सामने वाला क्या है, आपके ऊपर अटैक कर सकता है। स्थाई सैन्य बल सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बिल्कुल गलत बात है। स्थाई सैन्य सुरक्षा बल सबकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता है, ये आपने वियतनाम वॉर के अंदर भी देखा था, जब स्थाई अपनी सेना उन्होंने यूएसए ने वियतनाम भेजी थी, तो उसके कारण क्या हुआ था, माइलाई जनसंहार जैसे बड़े बड़े मतलब हादसे हुए थे जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 3 और 4, सही नहीं है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एस पी हटिंगटन ने लिखी है। ठीक है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में उत्तर शीत युद्ध काल में निम्नलिखित में से किससे बदलाव की भविष्यवाणी की गई है? दोस्तों क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में क्या बात की गई है, राजनीतिक विचारधारा संस्कृति और धर्म, राजनीतिक
विचारधारा संस्कृति और धर्म में क्या होएगा, क्लेश होएगा, ये बात की है एसपी हटिंगटन ने 1996 के अंदर। अभिकथन दिया है आधुनिक प्रौद्योगिकी युद्ध के महत्व और खतरों को बढ़ाती है। बिल्कुल सही, आधुनिक प्रौद्योगिकी में क्या है, आधुनिक प्रौद्योगिकी के अंदर क्या है, मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है, न्यूक्लियर वेपन बनाए जा रहे हैं, तो युद्ध के खतरों को तो ये बढ़ाती है। बिल्कुल सही बात है। युद्ध अब ताकत मात्र की प्रतियोगिता नहीं रह गया है। ताकत की जरूरत नहीं है कि आपके पास 200 आपके पास 2 लाख आर्मी है, आपके पास 10 लाख आर्मी है, तो ताकत की अब जरूरत नहीं रहेगी। ये अभी बिल्कुल सही है। यह धीरज धारण करने और जोखिम लेने की प्रतियोगिता बन गया है। बिल्कुल सही बात है। या तो धीरज धारण करो या फिर जोखिम लेके आक्रमण कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्रौद्योगिकी की बात नीचे रीजन में कारण के अंदर अगर प्रौद्योगिकी की थोड़ी सी भी चर्चा की गई होती तो ये ए और आर दोनों से ही होना था और इसका सही व्याख्या होनी थी। तो उसका करेक्ट आंसर है बी, ए और आर दोनों से ही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अर्ध राज्य क्या है, मतलब सेमी स्टेट क्या है, अर्ध राज्य मतलब पूरी तरीके से राज्य जो नहीं है। तो अर्ध राज्य, अर्ध राज्य क्या होता है, ऐसा राज्य जो क्षेत्राधिकार परक राजत्व से संपन्न हो परंतु अनुभव परक राजत्व में अत्यधिक विपन्न हो। इसका क्या मतलब है, अर्ध राज्य सेमी स्टेट क्या होगा, जो अधिकार क्षेत्र में तो हो कि अधिकार में उसके राज्य तो है लेकिन वो क्या है, उस राज्य के ऊपर अपना अधिकार मतलब अनुभव परक रूप से नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं तिब्बत। तिब्बत क्या है, तिब्बत क्वासी स्टेट है ना, वो पूरी तरीके से राज्य नहीं है। तिब्बत एक अलग से टेरिटरी तो है लेकिन उसके ऊपर शासन कौन कर रहा है, चाइना। क्वेश्चन नंबर 67, आर्थिक वैश्वीकरण के आर्थिक वैश्वीकरण एक असम और पदानुक्रम प्रक्रिया है। दोस्तों बहुत ही कंफ्यूज करता है, आर्थिक वैश्वीकरण असमान है, ठीक है, असमान और पदानुक्रमिक प्रक्रिया है तथा यह केवल अल्पसंख्यक अति छोटे वर्ग को लाभान्वित करता है, ये किस उपागम से जुड़ा है। दोस्तों आर्थिक वैश्वीकरण की जो आलोचना की है असमान और पदानुक्रमिक प्रक्रिया के रूप में, वो की है नियो मार्क्सिस्ट ने, नियो मार्क्सिस्ट ने। क्वेश्चन नंबर 68, ये विदेश नीति थिंक टैंक दिए हैं और उनसे जुड़े देश दिए हैं, ये विदेश नीति थिंक टैंक किसके हैं और कहाँ पे हैं। फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। दोस्तों ये मुझे पता है, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है इंडिया का विदेश नीति का थिंक टैंक। तो बी का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 4। बी का करेक्ट आंसर यहाँ पे मात्र इसमें है 4, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा सी। सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ए का 3, फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट है टर्की का, सी का 1, कार्नेगी इडोमेंट है यूएसए का और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज है यूके का, यूनाइटेड किंगडम का। क्वेश्चन नंबर 69, ये आतंकवादी संगठन दिए हैं और उनसे जुड़े देश दिए हैं, तो ये भी ज़्यादा कोई टफ नहीं है, अभी सुर्खियों में रहते हैं ये भी। तो LTTE, इसको लिट्टे भी बोला जाता है, लिट्टे विद्रोही आपको पता है श्रीलंका में है, उससे निपटने के लिए भारत ने अपनी सेना भी भेजी थी। तो एका चार यहाँ पे बहुत ही डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको अगर एक भी आता है तो आप इसका आंसर देने में सक्षम हो जाते हो, ठीक है। उसके बाद है हिजबुल्लाह, हिजबुल्लाह है ईरान में, हिजबुल्लाह है ईरान के अंदर। शाइनिंग पाथ, शाइनिंग पाथ आतंकवादी संगठन है पेरू में और बोको हैराम आपको पता है ये है नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन। पैनल ऑन यूनाइटेड नेशन पीस ऑपरेशन का गठन, तब सेक्रेटरी जनरल कोफी अनान, दोस्तों आपको पता है कोफी अनान 1996 से 2006 तक रहे हैं, द्वारा किया गया था, इसकी रिपोर्ट का नाम बताइए। दोस्तों ये ब्राहिमी रिपोर्ट, ये जो कोफी अनान ने गठन किया था ये थी ब्राहिमी रिपोर्ट।
संयुक्त राष्ट्र संगठन की शांति बहाल कार्यवाही में कहां पर भारतीय सैन्य टुकड़ियां पर्यवेक्षक तथा सिविलियन पुलिस कर्मी सेवारत है? पश्चिम सहारा में थे, बोस्निया में थे, हर्जी गोविना में? दोस्तों ये चारों जगह में यहाँ पे थे। इसका करेक्ट आंसर है डी। अगर यहाँ पे नॉर्थ कोरिया होता तो ये वहां पे भी थे। क्वेश्चन नंबर 72, यहाँ पे कुछ देश दिए हैं और उनकी समस्या दी है, ठीक है। भारत की किन किन देशों के साथ कौन सी समस्याएं चल रही है उसके बारे में ये डिस्कस यहाँ पे किया गया है। श्रीलंका के साथ भारत की समस्या है कच्छ टीबू से रिलेटेड। कच्छ टीबू एक मतलब टापू है, उससे रिलेटेड है। पाकिस्तान के साथ आपको पता है बुलर बैराज की समस्या है। नेपाल के साथ सुस्ता बॉर्डर, ठीक है, सुस्ता बॉर्डर कंफ्लिक्ट चली है। और बांग्लादेश के साथ न्यू मुरे आइलैंड से रिलेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत पाकिस्तान विवाद नहीं है? सियाचिन विवाद बिल्कुल है, सरक्रीक विवाद भी है, क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद की समस्या तो अभी भी चल रही है, लेकिन जो दहाग्राम विवाद है, ये दहाग्राम विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच ये नहीं है। यहाँ पे राज्य दिए हैं और उसके अंदर अल्पसंख्यक समुदाय दिए हैं। और दोस्तों ये आपका जो कंटेम्प्रेरी सिनेरियो है उससे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है और उस टाइम भी ये सुर्खियों में था। म्यांमार के अंदर कौन है? रोहिंग्या मुसलमान की समस्या है। म्यांमार आपको पता है म्यांमार में है बौद्ध बहुसंख्यक, बौद्ध धर्म यहाँ पे बहुसंख्या में है, ठीक है। तो एक का दो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आपको एक अगर आता है तो आप पूरे का आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। एक का दो म्यांमार में है रोहिंग्या, और मलेशिया में है वियतनामीज घुसे हैं मलेशिया के अंदर, और इंडोनेशिया में है हिंदू धर्म के लोग अल्पसंख्यक में, और लाओस में है तमिल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, अभी हाल में कंबोडिया और थाईलैंड के बीच तनाव उत्पन्न हुआ था, विवाद का मुद्दा क्या था वो आपको बताना है। तो विवाद का मुद्दा था प्राच विहार, प्राच विहार, प्राच विहार को बोल, प्राच विहार इंग्लिश का भी प्राच विहार है। अब आई डोंट नो ये व्हाट इज दिस प्राच विहार, आपने इसको सर्च जरूर कर लेना है, आपके काम ही आएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।